बेली, इसे फिर गस आ गया, तू थोड़ा पानी ला भाग के। महसूस हुआ जैसे दो उन तारों के बीच में से एक सफेद और बड़ा मां आती हूँ मां तुम किससे बातें कर रही हो तुम किससे बातें कर रही हो मां मेरी तरफ देखो नथु कहाँ है क्यों लाजो नथु अब मैं थोड़े दिनों की मेहमान हूं कैसी बातें करती है बाबी मां यूं छोड़कर जाना था तो तुम लाई क्यों थी इस दुनिया में बेली क्यों कोई जाता है और आता है ये वो भेजने वाला और बुलाने वाला ही जानता है नथु अब मेरा वक्त आ गया है मैं चाहती हूँ कि राहु को बुला भेजा जाए राहु जिसने कभी खबर तक ना ली आज उसे सौतेली माँ से क्या हमदर्दी मुझसे हमदर्दी नहीं ना सही मगर बेली का तो कोई आसरा नहीं दुनिया में मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले बेली का हाथ राहु के हाथ में दे दूँ कि बेचारे बेली की गर्दन ही दबा दे नहीं नथु मैं राहु को एक आंख न भाई इसलिए कि मैं की सौतेली माँ जो ठहरी आ गए राहु प्रभु सुनो राहु जब तक तुम सौतेली माँ से लिखवा कर न लाओ जायदाद बेची नहीं जा सकती तुम्हारे पिता की वसीयत के मुताबिक तुम अकेले किसी चीज के मालिक नहीं इसलिए इस मामले में लाजो को बुलाना ही पड़ेगा मगर प्रभो वो तो कब से गांव छोड़ छाड़ कर चली गई अब उसे बीच में लाना जरूरी है है तो तुम्हारे पिता की धर्मपत्नी विधवा से धोखा नहीं किया जा सकता वह है अब फिर उसका लड़का अब तो वो भी जवान हो गया होगा क्यों काम हो गया चाचा काम हो चुका अब मुझे बेली की माँ के पास जाना पड़ेगा वो देखो तुम्हें बुलाने के लिए आदमी भेजा है लाजो ने सच चाचा लाजो की हालत खराब है बिचारी मर रही है क्या कहा तुमने मैंने कहा हालत बहुत खराब है बिचारी मर रही है वो मर रही है ये कहकर तुमने मेरी जान में जान डाल दी दोस्त
थू। चले आओ ना राहू, चले आओ। मुझे बुलाया है? तुम्हारी माँ मर रही है राहू। मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर गई। तुम ना बदले बेली, भाई को चौकी दो ना। मुझे याद है तुम 10 बरस के थे जब मैं ब्याही गई और तुम्हारे घर में आई। मेरे नहीं, मेरे बाप के घर में। तुम्हारे बाप ने तुम्हें पास बुलाकर मुझसे कहा, ये मेरा लड़का है, नादान है, इसकी बातों पर ध्यान न देना, इसे बच्चा ही समझना। मैंने घर इसीलिए बसाया है कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना हो। ये सच शायद मेरे बाप ने जिंदगी में पहली मर्तबा बोला होगा। जब कोई बुड्ढा औलाद होने पर दोबारा शादी करके नई नवेली दुल्हन घर में ले आता है तो दुनिया से यही कहता फिरता है और इस बगल में दबा के सामने खिलौने कहकर पेश करता है। राहु, ये वक्त तीर चुभने का नहीं। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा और ना ही आज तक मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक किया। मैंने भी तो एक सपना सा ही देखा, तुम 10 बरस के थे कि दुल्हन बनाकर लाई गई, तुम 11 के हुए, इधर बेली पैदा हुआ, उधर तुम्हारे पिता चल बसे, फिर तुमने और तुम्हारे चाचा ने मुझे विधवा मनहूस चुड़ैल समझकर घर से निकाल दिया। और आज बेली को तुम्हारे बाप की अमानत को। बेली बाप, माँ तुम बोलते क्यों नहीं? माँ, माँ बेली, वो मारा। बेली, पहले काम पीछे दाम। किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेली को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं मददगार बनाकर। रास्ते में तुम्हें सिर्फ एक बार कुल्हाड़े को तकलीफ देनी है। यूं, और फिर लाश को उठाकर चट्टान से नीचे फेंक देना है। देखा, इतनी सी बात और इतना बड़ा इनाम। देखी राहू की दरिया दिली। ये माँ के जेवर तुम शहर जाओ, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। रास्ते में जंगल है और मैं रास्ता जग्गा सब जानता है। तुम उसके साथ जाओ।
जग्गू, प्यास लगी है, पानी पी लो। रोटी खा लो। लो। ये क्यों तेज कर रहे हो? समझा, कोई रीच वीच मिल जाए उससे मुकाबला करने के लिए। लाओ, मैं तेज करूं, तुम रोटी खा लो। कोई औलाद है? लो, तेज हो गया। कोई औलाद नहीं है? जग्गू, तुम्हारे कोई औलाद है? मुझसे यह नहीं होगा, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। जग्गू, जग्गू, तुम क्या पागल हो गए? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। जग्गू, नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। जग्गू, जग्गू, जाता है? खत्म कर दिया? बड़ी जल्दी की और बड़ा अच्छा किया। इनाम नहीं लोगे? और सुनो, अभी तुम हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। आज रात यहीं रहेंगे।
पहले तुमने कुल्हाड़े से गर्दन काट दी और फिर उठाकर चट्टान से नीचे फेंक दिया। देखो तो इतनी गहराई होगी। बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। भैया वो मुझे छोड़कर भाग गया। उसे भाग जाने की आदत है। वो देखो वो भाग रहा है। मेरा बापू तो सुना है, जब मैं छोटी सी थी तो मेरी माँ का जेवर चुरा कर भाग गया था और कभी घर का रुख नहीं किया। वो तो सुना है, चोर था, जवारी था, शराबी था, बदमाश था। वो चोर, वो शराबी, वो जवारी, वो बदमाश, मैं हूँ मेरी बच्ची। मैं तुम्हें नहीं पहचानती, तुम कहीं। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा मेरी बच्ची। कहाँ है तुम्हारी माँ? उसे बुलाओ, वो मुझे झट पहचान लेगी। कहाँ है वो? माँ उसे बुलाऊं कैसे? है किसी ने कह दिया कि तुम ये दुनिया छोड़कर चले गए और माँ तुम्हें ढूंढने के लिए उस दुनिया का चक्कर काटने चली गई। उसे बुलाऊं कैसे? तो तुम अकेली मेरी बच्ची? क्या करूं, सर पर पड़ी अकेली दिन काट रही हूँ। भला हो जिम्मेदार ने का मुझे काम दे दिया। भेड़ बकरियां चराती हूँ, पेट पालती हूँ, बड़े तकलीफ से दिन कटते हैं। अब मैं आ गया हूँ मेरी बच्ची, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम सचमुच मेरे पापा हो? तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। गोली लगी है। तो उसने गोली मारी है जो बाहर मरा पड़ा है? अरे ये तुम्हें भूल ही गया था, वो मरा नहीं है, मेरा साथी है बेचारा। तुम पानी गर्म करो, मैं उसे लेकर अभी आया। तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, तुम पानी गर्म करो, मैं जाती हूँ उसे लेने के लिए। अरे तुम में इतनी हिम्मत है?
किस बाप की बेटी हूँ? दुबली पतली दिखाई देती हूँ माँ, दुबली पतली दिखाई देती हूँ, मगर लेटा दो इसे इस खटिया पे। अब इसे होश में कैसे लाए बापू? मेरी मानो, जूता सुखाओ इसे। जूता सुखाऊं इसे? बावली कहीं की इसे मिर्गी थोड़ी पड़ी है। तो ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फिर सुनाऊंगा। ये लो ये तेल, तुम इसके सिर पे मालिश करो, मैं दूध दूध गर्म करूं। मालिश किए जाऊं इसे? अरे जब तक इसे होश ना आए। मर्दों की बहुत सी बीमारियों का इलाज इसी से होता है। मैं कहाँ हूँ? घर में। लो बेली, ये दूध लो, आओ चलो। जग्गू, हाँ हम कहाँ हैं? घर में। अच्छा अच्छा, और मैंने कहा घर में तो एतबार नहीं आया। जग्गू, मुझे यहाँ लाया कौन? मैं। हम जो पहाड़ की चोटी से गिरे तो बहाव के साथ बहते बहते गांव तक चले आए, और फिर मैंने तुम्हें नदी से बाहर निकाल कर रखा, और फिर वहाँ से ये अढ़ाई मन की लाश कंधों पे उठा के अंदर मैं लाई हूँ। तुम कम्मो। मेरी बेटी। हाँ ठीक है, मगर इसे कोई जानता तो नहीं? अरे कोई नहीं जानता, जब मैं और तुम कहेंगे कि ये बेली है तो सभी मानेंगे कि ये सचमुच बेली है। इसे सब कुछ समझा दिया है। ए लड़के, आज से तुम्हारा नाम बेली। शाबाश। ये कौन है? तुम्हारा चाचा। तुम्हारे चाचा के बच्चे यूं कहो हमारा चाचा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ए, तुम्हारी माँ का क्या नाम था? क्या था? लाजो। तुम्हारी माँ का नाम लाजो था, अब मत भूलना। देखो हमारी दो माएं थी, दो। और बाप? एक। अभी इसे अच्छी तरह सबक याद कर लें दो, फिर इसे महंत के पास ले चलेंगे। उल्लू के पट्टे याद कर। अच्छी लगती है? लो। तो मैं जाऊं? जाओ। सुनो, कहाँ जाओगे? मैं कुछ काम ढूंढूंगा। अच्छा, तो तुम काम कर लेते हो?
वो दूध का गिलास उठाकर दिखाओ तो। अरे वाह मेरे शेर, भरा हुआ दूध का गिलास उठा लिया, कमाल किया। अब पी जाओ इसे, पियो, मैं कहती हूँ पियो इसे, सुनो पियो पियो। तुम्हें काम वाम नहीं मिलेगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। ओ ये बात है, तो तुम्हें काम दिया क्या? मौ पहुंच के बात करो जी। देखो मैं जंगल में जिम्मेदारनी की भेड़ बकरियां चराने जाती हूँ, हर महीने मुझे तनख्वाह मिलती है, उसमें से आधे तुम ले लिया करो, तुम मेरा काम किया करो, समझे? अरे क्या याद करोगे, सुबह सुबह किसी रईस से वास्ता पड़ा है। क्या है कमो? कुछ नहीं बापू, मैं इसे अपने साथ जंगल में भेड़ बकरियां चराने ले जाया करूंगी। मगर ये काम इससे होगा? ओ, तो इससे क्या होगा? गांव के इतने इतने छोकरे ढोल चराने जाते हैं बापू, जानवरों साथ रहेगा तो कुछ सीख जाएगा, अपना भी काम हो जाएगा, जरा शान भी हो जाएगी, मुंशी जी भी देखकर हैरान होंगे कि अरे कमो भी किसी पर हुक्म चला सकती है। आओ तो अब क्या तुम मुझ पर हुक्म चलाया करोगी? मगर दूल्हे, हाँ? कि तूने ये अंगूठा लिया कैसे? उस रात जब मैं लाश के पास बैठा था तो अंगूठे को जरा सी स्याही लगाकर लाश से काम ले लिया। क्या बात है, मुर्दों से काम ले तो। क्यों बे, सुन रहा था? क्यों बे, क्या सुन रहा था? उल्लू का पट्टा। कम्मो के बापू ने पूछा है कि कम्मो यहाँ है। कम्मो के बापू से कह दो कम्मो अभी नहीं आई। स्वप्न में भी नहीं आए क्या
दिनों का खेल जवानी मस्तानी जाकर फिर नहीं किसकी संग उलझी अखियां है अखियां दोनों नैन गवाए कब से खड़ी हूँ मैं शीश गुंधाए शीश गुंधाए कब से खड़ी हूँ मैं शीश गुंधाए शीश गुंधाए राह में तेरी नैन बिछाए राह में तेरी नैन बिछाए कौन तुझे समझाए मोरे रसिया मन बसिया सावन बीता जाए किस पापी संग उलझे अखियां हाय अखियां रो रो नैन गवाए मन बस करके बिसार दिया तू मन बस कर के बिसार दिया क्यों बिसार दिया क्यों बाली उमरिया से बैर लिया क्यों बाली उमरिया से बैर लिया ना दिन गुजरे ना गुजरे रतिया है छतिया धड़के जिया घबराए किस पापी संग उलझे अखिया है अखिया ये है मेरा भाई बेली माँ बिचारी आपको तो मालूम ही है तुर्कबाश हो गई अब मैंने इसे अपने पास ही बुला लिया है ये अपनी माँ का जेवर मैं इसे बांटना नहीं चाहता इस पर मेरा कोई हक नहीं बेली मुझे जबरदस्ती देना चाहता बेली बेली बेटे बोलो मान जी क्या कह रहे हैं तो तुम अब अपने भाई के पास रहोगे जायदाद बांटना नहीं चाहते बड़ा ही अच्छा लड़का है अच्छा बेली ने मैंने बेली की माँ ने हमने तीनों ने ये फैसला किया कि जमीन बेच डालें और मरने से पहले हाँ बेली की माँ ने इस कागज पे अंगूठा भी लगा दिया बापू अब तो जख्म बिल्कुल अच्छा हो गया बापू मैंने तुम्हारा काम किया अब तुम मेरा करो क्या चूतिया गूंद दो अरे बावली भला ये तो औरतों का काम मुझसे हो सकता है ना सही अरे रूठ मत ला कंगा ला बैठ कमो अब तुम बड़ी हो गई और मैं ये सोच रहा हूं कि बरसों के बाद जब मैं घर आया तो अब तुम चली जाओगी कहां चली जाऊं ससुराल फिर ये घर सूना हो जाएगा डोली में बैठकर जब तुम जाने लगोगी
तो माँ तो तुम्हारी है नहीं, और विदा का गीत कौन गाएगा? अच्छा मैं ही गा लूंगा, वो शुभ घड़ी आए तो। बापू हुँ? तुम गा लेते हो बापू? अरे वाह, गा नहीं लेता तो। सुन, मैं तुम्हें वो गीत सुनाता हूँ जो लड़की को विदा करते वक्त गाया जाता है। लकी बाबूल मेरे काहे को दीनी विदेश, ओ लकी बाबूल मेरे काहे को दीनी विदेश। पाई को दीनो महल दुमैला, भाई को दीनो महल दुमैला, मोहे दिनो परदेस, हो लकी बाबूल मेरे काहे को दीनी विदेश, हो लकी बाबूल मेरे काहे को दीनी विदेश। बेटी तो बा बुल एक चिड़िया, बेटी तो बा बुल एक चिड़िया, जो रैन बसे उड़ जाए, ओ लकी बाबूल मेरे काहे को दीनी विदेश, लकी बाबूल मेरे। अरे बेली आ जाता है बापू, क्या बात है, कितने बढ़िया आलू बनाए हैं तुमने। क्या मजेदार आलू बनाए हैं तुमने बापू, ऐसे आलू तुम रोज बनाया करो बापू, क्या बात है। कितने नरम आलू बनाए हैं बापू। बापू बेली को और दो ना। हाँ हाँ और लो बेली, बस साइज को बुला ला तो। क्यों कम्मो से मिलने आए हो? जी नहीं, मैं तो वैसे ही इधर से गुजर रहा था, आपको देखा। सुनो कम्मो से तुम्हारा कोई रिश्ता है? जी नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आ गए साइज, कम्मो को बुलाए। जी नहीं। राधा कहूँ? हाँ एक बात कहो। कहो आज वो फिर आ कौन? अरे वही जो उस रोज। अच्छा मगर वो है कौन, यही तो पता नहीं है। कैसा? बहुत बढ़िया सच। कम्मू आई जी।
कैसे ले जा सकता हूँ? अच्छा, मैं उस रात 2.5 मन की लाश कंधों पे उठा के अंदर मैं ले गई और आप तो मुझे उठाते हो घबराते हो, हैं? ले चलो मुझे उस पास, चलो। जो कल तुम्हें उठाए उठाए फिर रहा था,
वो पांका, वो चैल चपीला और तीखी चितवन वाला वो। बस बस, मैं सब समझ गया। मैं भी समझ गई। देखो फिर उसे अपने साथ नहीं लाना, ताकि वो आपकी भेड़ बकरियों के दिल चुरा कर न ले जाए। बातें न बनाओ, मैं फिर उसे कभी यहाँ देखना नहीं चाहता। मुंशी जी आंखें बंद कर लीजिए, जो आप नहीं देखना चाहते वही आपको देखना पड़ता है। बक बक बंद करो, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मुंशी जी। जी आपका अच्छा क्या है? इस मस्खरे का मजा चखा कर रहूंगा। लो आज डांट रहे हैं और दो दिन पहले दिन में एक बार देखते तब 32 बार नाक निकाल कर कहते। ओ जी जरा बात तो सुनती जाओ, और मुझे कहना पड़ता था बेली 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 बेली। अपने मुंशी जी को तुम बहुत भाए हो। सिर्फ मुंशी जी को ही? अच्छा तो तुम्हें भी ये वहम हो गया। देखो रात तुमने खाना नहीं खाया, अगर मैंने लाकर खिला दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें देखकर मेरी भी वही हालत होती है जो मुझे देखकर मुंशी जी की होती है। बापू तुम्हें लाया है ठीक है, तुम हमारे मेहमान हो यह भी ठीक है, हमें तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए ठीक है, तुम्हें चनार के दरख्त से प्यार हो गया है यह भी ठीक है, दरख्त जुआ प्यार हो ही जाता है, मगर याद रखो मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं, ना है ना होगी ना हो सकती है, क्या समझे? तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं? हाँ ना है ना होगी ना हो सकती है। जाओ जाओ। नहीं जाता। बिगड़ते क्यों हो, ना जा मेरी बला से। ए लड़की जमींदारनी का घर कहाँ है? मुझे तो आज इसकी खाल फेंकनी है। तो मेरी खाल खींच लीजिए ना। हट। हेलो मुंशी, ये क्या है? सरकार सरकार, ये लड़का लड़कियों को छेड़ता है सरकार, सब लड़कियों को सरकार। झूठा जिम्मेदार ने जी, आप उन सबसे पूछिए, वो हमारा मेहमान है बेचारा, और देखिए मुंशी जी ने सारा मेरा गुस्सा उस पे निकाला है और बिना कसूर से चाबक से मारना शुरू किया, जरा देखिए। मुंशी हम तुम्हारे जुल्म की कहानियां सुनते थे, आज अपनी आंखों से देख लिया। कम्मू इधर आ। तो अरे माँ देखो हमारी कम्मू के कान खून बह रहा है। यह तो कुछ नहीं जी, आप जरा बेली की हालत देखिए। बेली लड़के चाबुक ले और हमारे सामने से खूब पीट। नहीं मैं बदला लेना नहीं चाहता। जिम्मेदारनी जी मुझे हुक्म दीजिए, मैं चखाऊं जरा इसे मजा। हाँ कम्मू चाबुक ले और दिखा इसे दो दो हाथ। सरकार सरकार, सच पूछे तो ये बड़े जोर से मारेगी सरकार। मुंशी जी। जी तुम तो चाबुक लेके मुझसे प्यार किया करते थे ना, हैं? ले जा उसे। दुआई सरकार, दुआई दुआई सरकार, दुआई 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 सरकार। क्यों कहा करते थे ना कि जालम तेरे हाथ है के गुलाब के फूल, देख लिया हाथ? दुआई 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 सरकार। छोड़ दे कम्मू, जाओ हमारी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, आज से तुम नौकरी से बर्खास्त।
ये लड़का क्या काम करता है कम्मू? कुछ नहीं सरकार, कुछ नहीं करता। मुंशी आज से जी है, हिसाब घोड़ा सब इसके हवाले कर दो। सच? बेनी आज से मुंशी घोड़े पर चढ़ के तनख्वाह बांटेगा। कहो बेली, इंसाफ हुआ तो? आपकी मेहरबानी। चलो साईस। बेली लो लो चढ़ो घोड़े पे। अरे रख तो ना पैर मेरे हाथों पे। जिम्मेदारनी जी, हम लोग आपसे मिलने आए हैं। आइए। बैठिए। पार्वती के ब्याह की बात लेकर आए हैं। मैं कह रहा था कि लड़की राज करेगी, इतनी बड़ी जायदाद। जायदाद तो बाप की जायदाद क्या कम है? जी हाँ, बाप की जायदाद भी है। मेरा मतलब था कि इतनी बड़ी जायदाद की देखभाल के लिए 6 मुंशी रखे हैं। भाई 10 हो, इनकी तबीयत तो ऐसे ही रहती है। और फिर जो काम घर का आदमी कर सकता है, भला बाहर वाले को इतनी फुर्सत है? कहते हैं बाहर वाले को इतनी फुर्सत है। देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी है। लेकिन इनका एक सोतेला भाई भी तो है। है, बाहर घोड़े पकड़े खड़ा है। ठहरो, तो कुछ लोग बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ कहने आया था। तो हमसे कहो ना। मुंशी जी को माफ कर दिया जाए? नहीं, ये नहीं होगा। और मुझे अगर इजाजत हो तो मैं कहीं चला जाऊं तो अच्छा है। क्यों? मैं समझता हूं कि अगर मैं यहां रहा तो अभी वक्त है, भाग जाऊं तो अच्छा है, वरना फिर किसी उलझन में। कैसी बातें करते हो तुम? तुम्हें क्या हुआ? कुछ हो गया है। बड़े समझदार हैं। क्या मैं यहां दिन में एक बार आ सकता हूं? 100 बार आ सकते हो। जिस तरह पहले मुंशी को निकाला है, एक दिन कहीं मुझे भी तो नहीं निकाल दिया जाएगा? किसी लड़की पे जुल्म करोगे तो सजा मिलेगी ही। और अगर मुझ पर किसी ने जुल्म किया तो शिकायत करना। कोई सुनेगा? हम सुनेंगे। क्यों नए मुंशी जी? नमस्कार। कैसे आना हुआ? माँ, बेली कहने आया है कि उस मुंशी को कभी माफ ना किया जाए। कभी नहीं। और माँ, बेली नौकरी छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता। बड़ी खुशी की बात है। सुना बेली, माँ कहती है बड़ी खुशी की बात है। लो बापा, आ गए हमारे मुंशी जी। भाई भाई बेली, मुझे तो आज ही पता चला, मैं बहुत ही खुश हुआ सुनकर। मगर देखो, तुम्हारा रो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। अरे तू बड़ी नटखट है। तुम सोच कर रहे हो, जूते उतारो, हाथ मुंह धो और जल्दी जल्दी खाना खाओ। आज जिम्मेदारनी के घर में त्योहार मनाया जा रहा है, तुम मेरे साथ चलो, रौनक देखो। तुम भी चलो। तुम क्यों जाओगे? मैं क्यों जाऊंगा? ठीक है, मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो घर में ही रहूंगा। अच्छा।
बालकनी में जा रही हूँ। ठहरा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठहरा, ठहरा। आओ। तुम तो यूं ही डर जाते हो। हुक्म तो तुम्हें चलाना चाहिए मुझ पर। जरा कहो ना रूप से, ए कम्मो। जाके मेरा बिछौना ठीक कर दो। बात हुई ना? लो जूता दो मुझे और तुम जाओ हाथ मुंह धोने के लिए। तुम सोच कर रहे हो? सोच रहा हूँ कम्मो मैं कहीं चला जाऊं तो अच्छा है। अच्छा जी, कल मुंशी बने और आज जाने लगे। कोई नहीं जाने देगा मुंशी जी। मुंशी जी कोई नहीं जाने देगा। मेरा मुंह क्या तकते हो? जाके मुंह हाथ धो ना। ओ तेरे बिन मेरी जिंदगानी किस काम की। मैंने कहा ना दियो परदेस लंगर तुम ना दियो परदेस। तुम्हें मेरी कसम ना दियो परदेस। ओ तेरे बिन मेरी जिंदगानी किस काम की। मैंने कहा ना दियो परदेस लंगर तुम ना दियो परदेस। तुम्हें मेरी कसम ना दियो परदेस। इस रुत में घर से नहीं जाओगी ना जाओगी ना जाओगी। इस रुत में घर से नहीं जाओगी ना जाओगी ना जाओगी। कुछ तो तरस अस्वन पर खा दी। वो देख तेरे घोड़े की लगाम मैंने थाम दी। मैंने कहा ना दियो परदेस लंगर तुम ना दियो परदेस। तुम्हें मेरी कसम ना दियो परदेस। मेरी बावली बेटी, मगर तुम तो यूं ही परेशान होती हो। भूख लगेगी वो खा लेगा। सब कुछ तो ठंडा हो रहा है, उसे बत्ती आजकल। तुम्हें भूख लगती है? नहीं, मुझे भी कहां लगती है। यहाँ तुम्हें भूख नहीं लगती, वहाँ उसे भूख नहीं लगती। देखो बापू, तुम फिर मेरी हंसी उड़ाने लगे। देखो मैं कह देती, मेरा गुस्सा बहुत काम में पड़ेगा। देखो बापू बस। अरे तू बड़ी लड़ाका है, झगड़ा करने पर हमेशा तैयार। झगड़ा करने पर तुम्हें कोई दे, ये ले, ये आ गया ना, ये आया। ठहरो। ठहरो। जरा आती उतार लो तुम्हारी। शर्म तो नहीं आती तुम्हें?
एक तिल लिहाज, दो तिल लिहाज, कब तक चलेगा यूं ही? जग्गू, मेरे यहाँ आने से आप लोगों को बहुत तकलीफ होती है ना? लड़के, तू कैसी बातें करता है? हट जा बापू, मुझसे बात करो। होती है तकलीफ और बेहद तकलीफ होती है। तो मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊँ? कल सुबह? अभी को नहीं चला जाते? तो मैं अभी चला जाता हूँ। बेली, हट जाओ ना बापू। भाई बेली, भाई बेली, सुनो, ये लड़की, उसका मिजाज बहुत चिड़चिड़ा। तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे भले के लिए कहती है ना, इसका मिजाज चिड़चिड़ा। चलो अंदर चल के खाना खा लो। कम्मो, आ जाएगी, चलो चलो पहले खाना खा लो। ए, सुनती हो? कम्मो, तुम ठहरो, मैं उसे लाता हूँ बुलाकर। ए कम्मो, कहाँ हो? ए कम्मो, पागल न बनो, मेरी बात सुनो। मुंशी जी, क्या ढूंढ रहे हो इस वक्त? मेरी एक भेड़ खो गई। तुम मैं चलूं साथ? मैं भेड़। मुंशी जी, कम्मो चलो घर। जाओ जाओ ना सताओ, मुझसे ना बनाओ बत्तियाँ। जाओ जाओ ना सताओ, मुझसे ना बनाओ बत्तियाँ। कट जाएगी हमारा रतियाँ है, कट जाएगी हमारी रोरा रतियाँ। पतो से ना कहूँगी तोरे पैया ना पढ़ूंगी, बेईमान बलमा। जाओ जाओ ना सताओ, मुझसे ना बनाओ बदिया। जाओ जाओ याद सताए जिया भर भर आए हैं, याद सताए जिया भर भर आए हैं। मन पगला कैसे तड़पाए हैं, मन पगला कैसे तड़पाए हैं। तो से ना कहूँगी तोरे पैया ना पढ़ूंगी, बेईमान बलमा। जाओ जाओ ना सताओ, मुझसे ना बनाओ बतिया। जाओ जाओ लेती हूँ, आंसू भी मुस्का लेती हूँ। क्यों करहूँ दबा लेती हूँ, क्यों करहूँ दबा लेती हूँ। तो से ना कहूँगी तोरे पैया ना पढ़ूंगी, बेईमान बलमा। जाओ जाओ ना सताओ, मुझसे ना बनाओ बतिया। जाओ जाओ जा, तेरा एहसान न लूंगी, जा तेरा एहसान न लूंगी। दिल जो दिया दूंगी, दिल जो दिया है तो जान भी दूंगी। पतो से ना कहूंगी तोरे पैया ना पढ़ू। Thank you.
मुंशी जी ज्यादा नखरे ना करो, उठकर रोटी खा लो। बहुत रात देखी है तुम्हारी। मैंने कहा रोटी खा लो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तो जो मैं लाई हूँ उसे क्या करूँ? फेंक दो। कहाँ फेंक दो? सिर में। आंखें आठ और पहर तुम्हारी ही सूरत देखना चाहती है, आखिर कब तक छुपाऊं ये बात? कुछ तुम भी कहो, दे सकती हो जगह अपने दिल में? ओह समझा, लड़की हो ना और लगाए हुए हैं। सुनो, अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है तो अपने बालों में लगा हुआ ये फूल यहाँ छोड़ के जाओ, मैं समझ जाऊंगा। मैं इस फूल को अपने कलेजे से लगा कर रखूंगा, तुम्हारे दिल का सब हाल ये फूल मुझे बता देगा। चैन पाए ना जिया कि मैंने ये बुरा किया, जो साफ साफ कह दिया कि मेरे सामने पिया, तो से दूर रह के चैन पाए ना जिया। मीठी बत्तियों से भरमाए गए हम, उलझने उलझाए गए हम। मीठी बत्तियों से भरमाए गए हम, उलझनों में उलझाए गए हम। भूल तो तुम्हारी भला मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। भूल तो तुम्हारी भला मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। कि मैंने ये बुरा किया, जो साफ साफ कह दिया कि मेरे सामने पिया, तो से दूर रह के चैन पाए ना जिया। कि मैंने तुमको क्या पड़ी, देखते हो नैनवास लागी है झड़ी। हम जिए मरे भला जी तुमको क्या पड़ी, देखते हो नैनवास लागी है झड़ी। फालतू पानी ये बह गया तो क्या हुआ,
फान तू पानी ये बह गया तो क्या हुआ कि मैंने ये बुरा किया जो साफ साफ कह दिया कि मेरे सांवरे पिया तो से दूर रह के चैन पाए ना जिया कि मैंने बुरी तरह से तो जान मरे हैं बस होए तुम्हें याद करे हैं हम बुरी तरह से तो पे जान मरे हैं रैन दिवस होए तुम्हें याद करे हैं शुक्र है कि कुछ तो तुम्हें काम मिल गया काम मिल गया शुक्र है कि कुछ तो तुम्हें काम मिल गया कि मैंने ये बुरा किया जो साफ साफ कह दिया कि मेरे सामने पिया तो से दूर रह के चैन पाए ना जिया बेली मैंने बुलाया है आओ नाव की सैर करा आओ बाह हो जाती है जी चाहता है कि पल भर के लिए भी तुम्हें आंखों से ओझल ना करूं मगर सुनो एक तरकीब निकाली है क्या मतलब अब तुम्हें कम्मों के पास रहने की जरूरत नहीं तो आज मैंने माँ से कहा माँ छोटे मुंशी जी को बहुत तकलीफ होती है राजू वाला घर खाली पड़ा है क्यों ना बेचारा वहाँ आकर रहे बेचारा बुरा मत मानो हाँ माँ ने कहा खाने का क्या बंदोबस्त होगा मैंने कहा वाह ये कौन सी बड़ी बात है अपनी रसोई से मंगा लिया करेगा भला आदमी है भला आदमी क्यों मैंने झूठ कहा जो नौकर होकर मालिक की लड़की से प्यार करे हाँ उसे उस लड़की का मालिक ही बना देना चाहिए पंडित जी इस जन्म कुंडली देख लीजिए पारो के ब्याह की बात पक्की कर ली है आप की कर ली है हाँ कर ही ली है आप जन्म कुंडली देख लीजिए आइए पंडित जी विराजिए आयु स्थान लड़के की उम्र मंगल और शनि फिर मंगल और शनि लड़के की उम्र पंडित जी आप अपनी उम्र के ग्रह घर से देखकर चले थे नहीं ये शादी होगी और जरूर होगी होगी जरूर होगी इसमें भी यही लिखा है आया बंसी वाले की क्यों पंडित जी देख लिए ग्रह आपने देख लिए कुछ मैंने देखे कुछ इन्होंने दिखा दिए जो ग्रह इन्होंने दिखाया वो जरा आदत तेज है हमारा विचार शादी जल्दी करने का है बंसी वाले की इसमें भी यही लिखा है ये रिश्तेदारी माशे कौन है लड़के का चाचा हूँ तो, 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 बंसी वाले की बड़े सज्जन पुरुष है घर ब्राह्मण की सेवा आपका धर्म मालूम होता है मैं इधर से जाऊँ भाई इस पे तुम्हारे छोटे भाई के दस्तखत भी बहुत जरूरी हैं हाँ जी हाँ छोटे भाई के भी दस्तखत लीजिए बेली ओ बेली
बेली जी, बेली आओ बेटा, आजा, आ, आजा बेटा, आ, आजा। बेली हमारा पढ़ने लिखने से दूर भागता है और हम इस पर जोर भी नहीं देते। बच्चा है ना, ले बेटा अंगूठा लगा दे। बेली जिद ना किया करो, तुम तो छोटे छोटे बच्चों की तरह रूठ जाते हो। चलो अंगूठा लगा दो। इसको कड़े चाहिए। आ बेटा कड़े बनवा देंगे तुझे, आ लगा देंगे, उठ ले। हरामजादे, ये दूसरों के सामने अकड़ना कब से सीखा? सर ये हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाना कब से सीखा? अपने दिल की कोई बात तुमसे नहीं छिपाती, कभी मौका मिले तो जरा पूछना कि उसे किसी से प्यार। किसी से? हाँ, और अगर हो भी गया है तो कहीं वो मैं नहीं। सिर पर उठा कर लाई थी, इसलिए अगर आज तुम चुपचाप चले गए तो उसको बहुत दुख होगा, समझ गए ना? जग्गू तुम्हें तो बुरा नहीं लगा? मेरी बात छोड़ो बेली, मेरे पास वो दिल ही कहाँ जो बुरा माने। मैं तो एक पत्थर हूँ, पत्थर। कमों को शायद उसकी माँ का दिल मिला है, वरना कौन सी बड़ी बात है। यही ना, तुम आए, दो दिन रहे और चलते बने। दुनिया की रीति यही है बेली, बस आए रहे और फिर रोके कौन रुकता है बेली। ए मेरे बापू, तुम्हारी आंखों में ये पानी? कुछ नहीं कमो, मैं जरा प्यास छील रहा था। प्यास छील रहे थे? देखो उस्ताद हमसे चला कि? सच कहो, सच कहो ना। कुछ नहीं, तुम्हारी माँ याद आ गई कमो। बापू, बापू क्या मरती किसी को याद करके रोया करते हैं? मैं जरा बाजार जा रहा हूँ। तब तो मर्द बड़े अच्छे होते हैं बापू। जिन्हें तारने की कड़ी कमो बेली है। जाओ जाकर कह दो कि गाड़ी आ गई। कम इधर आ। अरे इधर आ ना, मेरे पास आके बैठ। नहीं मैं यही ठीक हूँ। अरे आ ना। अरे ठीक से बैठ, अच्छी तरह से बैठ। कम्मू तुम्हें एक बड़ी अच्छी बात बता। बताओ। ठहरो तो दरवाजा बंद कर लो। बताओ, किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं कहोगी ना? खाओ मेरी जान की कसम, खाओ ना। आप कहिए ना। मुझे कुछ दिनों से देखो बात करते करते मेरी सांस फूल गई और मेरे दिल की धड़कनें बेकरार हो गई और मेरा माथा गर्म हो गया। मुझे कुछ दिनों से बुखार की शिकायत है। अरे बुखार नहीं, प्यार हो गया है। सच? तो कुछ हवा ही ऐसे चली है। मुझे भी कुछ दिनों से। मगर बात करते करते मेरी सांस नहीं फूलती, दिल भी नहीं धड़कता।
माता वैसे तो ठंडा है मगर मुझे गुस्सा बहुत आता है। कम्मू तू हैरान रह जाएगी जब इससे कहूंगी मेरे बचपन की सहेली मेरे जवानी के सपनों को तू अपने पास छुपा कर रखे हुए है। मैं तू समझ गई कौन है मेरा किच्चू? कौन? मुंशी। कौन सा मुंशी? आपके तो आज तक तुम मुंशी है। अरे पांच तो काम धंधे के लिए है। छठा दिल में समा गया है। छठा कौन? बेली तू तार गए वो मुझ पर जान देता है कहता है पारो पारे पारा मर जाऊंगा जो तुमसे दूर रहूंगा। बेली ऐसी बात कहना जानता है? अरे वो क्या क्या कहता है तू सुने तो तू भी मर मिटे उस पर। अच्छा पहले पहल बोला ओ दीवार के साथ साथ जाने वाली तेरे मुंह से सुनना चाहती है। ले मैं साफ साफ कह देता हूँ जिस दिन से देखा है आंखें चाहती हैं कि आठों पहर। वो तो क्या वो तो मुझे पता नहीं। हाँ एक दिन एक फूल किसी के जूड़े का हाथ में था जिससे चोरी चोरी बातें हो रही थी। वो तो मेरे जूड़े का फूल था ना। अच्छा कहो सुनकर मजा आ गया ना? बहुत। अरे बैठ ना मैंने बेली के रहने का इंतजाम अपने यहाँ कर लिया है। कहो साईं उन्होंने कहा है कि कल आऊंगा। कल? मैं आज ही भिजवा दूंगी। तुम्हारी मेहरबानी। मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। जमींदारनी ने कहा है कि वहीं जाकर रहूं। नौकरी जो होगी मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। सुनो तुम आज ही चले जाओ। अच्छा मगर देखो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम भेड़ बकरियां लेकर जंगल में जाया ही करोगी कभी ना कभी मुलाकात होगी ही समझी। तुम उदास मत हो ना। छोड़ चले अब झूठी तसल्ली रहने दो जाओ झूठी तसल्ली रहने दो। छोड़ चले तोड़ के दिल जब जाने लगे क्यों झूठा मोह जताने लगे क्यों झूठा मोह जताने लगे क्यों आसमान को भरमाने लगे। ये बहते हैं इनको बहने दो जाओ झूठी तसल्ली रहने दो। छोड़ चले झूठे ढूंढ लिए थे सहारे झूठे ढूंढ लिए थे सहारे हमने
कभी-कभी डर मालूम होने लगता है। राधा, पार्वती कहाँ है? पता नहीं, वो तो शायद किसी भीनी-भीनी खुशबू आ रही है। शायद कोई आ रहा है। ये क्या? तैयार तो उसने कुछ जला-विला करने में देर हो गई। ये ले। वहाँ रख दो। खोलकर देखोगी नहीं? देख लूंगी। कम? तुम्हारे पास लड़कियों को वो दिल नहीं जो जेवर देखकर उछल पड़े? मेरा दिल? क्यों? क्या हुआ? तेरा दिल बुझने का कारण? ए बावली, सच सच बता, तेरे दिल में क्या है? दिल में क्या है? कुछ भी नहीं बापू। कमो, डर गए बापू? लाओ वो चेपर चलाए हो अपनी लाडली के लिए। बहुत बढ़िया है ये सूरत और ये कहने। मेरी नजर न लग जाए। बहुत अच्छे। कमबख्त को नगीने जड़ने के लिए कहा था, नहीं जड़े नगीने, नगीने नहीं जड़े। तुम देर से पहुंचे मेरे कहना। बहन का जिसे रिझाना था वो तो किनारा ही कर गया। खुश रहो मेरे आंसू, जो कमी सुनार से रह गई थी वो तुमने पूरी कर दी। बापू, जड़ लिए नगीने तुम्हारी कमों ने। तो कोठरी खाली पड़ी है, बेली चला गया ना? हाँ बापू, जिम्मेदारनी ने हुक्म दिया था कि आके वहां रहे, वो तो जाना नहीं चाहता था। फिर मैंने डांटा, कहा कि बुद्धू, जिम्मेदारनी नाराज हो जाएगी, इतनी अच्छी नौकरी हाथ से चली जाएगी। तो चला गया बेली। कैसे नहीं जाता बापू, मैं तो डंडा लेकर पीछे पड़ गई थी। तू बड़ी लठमार है, और तेरा कहना कोई टाल सकता है? कमो, बेली तुम्हारी बहुत मानता है ना? बहुत। और भाई तुम उसे दिख भी बहुत करती हो। अब नहीं करूंगी बापू। आओ भाई बेली, तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है। मैं ये कहने आया था कि हम लोग तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। भाई हम लोग का मतलब हमें समझा दो। यही जमींदारनी, पारो, मैं और कुछ लोग हैं। मालूम होता है बेली, तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। देखें। अच्छा, मैं यही कहने आया था, अब जाता हूँ। कमो, मैं पानी लेने जा रहा हूँ।
आज बहुत से जेवर पहन रखे हैं। क्यों ना पहनती, जानती थी ना कि तुम आओगे, इसलिए सच थच के तैयार खड़ी थी कि शायद सोने की चमक से ही बेली के तट पर बिजली गिरा सकूं। कम्मू, मुझे तुम पर तरस आता है। ए तरस खाने वाले, जाओ तरस खाओ उन पर जब पत्थर पर अपना दिल पटकना नहीं जानते, तरस खाओ उन पर जब भीख मांगकर खुशियां हासिल करना सीखे हो, तरस खाओ उन पर जिनके हाथ अपनी दुनिया फूंकते हुए कांप जाए। दिल की बस्ती अपने दिल की बस्ती है, अपने हाथों बसाई, अपने हाथों उजाड़ कर तमाशा देखा, देखा तेरे चलो कहो उसने देखा। कम, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि कहीं तुम्हें मुझसे कुछ नहीं। कुछ नहीं, तुम थे तो ये कोठरी चकमकाती हुई दुनिया थी, आज तुम नहीं तो यही कोठरी सोनी पड़ी है। चारों तरफ उदासी ही उदासी दिखाई देती है। अगर तुम्हारे छोड़ जाने से एक कोठरी की ये हालत हो सकती है तो रोम रोम में बसने वाले इस दिल का अंदाजा करो जिससे तुम पर बात करके चल दिए। वारे बादल छा गए, बलम जी तोरियात दिला गए, बलम जी तोरियात दिला गए। कोयलिया सावन के दिन आ गए, कोयलिया सावन के दिन आ गए, रूम झूम मतवारे बादल छा गए, रूम झूम मतवारे बादल छा गए, मलम जी को याद दिला गए, कोयलिया सावन के दिन आ गए। बरसन लागे बादल काले काले, बादल काले काले वो बादल काले काले रे, बरसन लागे बरसन लागे, बरसन लागे बादल काले काले, बादल काले काले वो बादल काले काले रे, फूट पड़े आशिक दिल के रे, फूट पड़े आकाश के दिल के छाले रे, बरखा के दिन आग लगाने आ गए, बरखा के दिन आग लगाने आ गए, बलम जी तोरी याद दिला गए, कोयलिया सावन के दिन आ गए, रूम झूम मतवारे बादल छा गए, रूम झूम मतवारे बादल छा गए, बनम जी तो याद दिला गए, कोयलिया सावन के दिन आ गए, आंसू बन नैनों से सपने बहने लगे, आंसू बन नैनों से सपने बहने लगे, तेरे अरमान लिपट कर दिल से कहने लगे, तेरे अरमान लिपट कर दिल से कहने लगे,
हमको क्यों निर्मोही यूं बिसरा गई, हमको क्यों निर्मोही यूं बिसरा गई। बरम जी नोरिया गए दिला गए, कोयलिया सावन के दिन आ गए। झूम झूम मतवारे बादल छा गए, झूम झूम मतवारे बादल छा गए। मलम जी गोरी याद दिला गए, मलम जी गोरी याद दिला गए। कोयलिया सावन के दिन आ गए, कोयलिया सावन के दिन आ गए। हाँ सरकार, आपके चरणों के सौगंध। अगर ये झूठ निकला तो जिंदा जला दिए जाओगे। अगर सच निकला तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो ये सच है, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? अपनी आँखों से देखा है। तुम्हारी आँखों पर एतबार नहीं किया जा सकता। तो अपनी आँखों से देख लीजिए। कब दिखाओगे? अभी चलिए। ये क्या बदतमीजी है सरकार, ये भौंकी और शिकार गायब। सांप। हाँ सांप, सचमुच सांप। माँ दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से बेहया। और तुम नमक हराम, जिन्होंने तुम पर एहसान किया उनके एहसानों का बदला उन्हीं के मुंह पर कलंक का टीका लगाकर उतारना चाहते हो। बदमाश, रुपया चुराते, दौलत देखकर तुम्हारा दिल बेईमान होता। तुम सूरत पर जी चाहता तुम्हारी बोट नोच लूं। मगर मैं दोष बको मत, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम जितनी जल्दी हो सके पारो के ब्याह का मुहूर्त पक्का करो। इसी महीने के अंदर अंदर? नहीं, इस हफ्ते के अंदर अंदर। हाँ हाँ, मैंने कह जो दिया। मैं भेड़ बकरियां चराने वाली कमार छोकरी, मुझे क्या पता प्रेम किस चिड़िया का नाम है। यूं ही सहेलियों की बातों में आ गई। झूठ मूठ तुमसे एक नाटक सा शुरू कर दिया। भगवान जाने रोने के वक्त अच्छी तरह रो भी सकी या नहीं। उन्होंने कहा था मेरे इस तरह प्रेम चिता से तुम्हारी हालत पूरी हो जाएगी। मगर हुई नहीं। हुई नहीं। और हुई इसलिए नहीं कि मैं ताड़ गया था, तुम नाटक कर रही हो। सच? ये सुनकर कि तुम झूठ मूठ बिरहन का भेस लिए हुए थी मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी हुई तो? बहुत कम हो। अब मैं बेधड़क अपने दिल का दुखड़ा तुमसे कह सकूंगा। कहो, बेधड़क अपने दिल का दुखड़ा कहो। कम हो, मैं पारो के बगैर जी नहीं सकता। जब किसी से प्यार हो जाता है तो उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। और जो जीता रहे? नहीं कम्मो, प्यार करने वाला तड़प तड़प के मर जाता है। मैं मर जाऊंगा। ऐसा न कहो, तुम्हारे दुश्मन मरे। कम्मो, तुम पारो से जाके मिल सकती हो। कभी मौका मिले तो एक दफा जाकर के आओ। मुझ पर भी बहुत जुल्म किए हैं महाप्रभु। अब मैं दरवाजा तोड़कर भागा हूं तो तुम असली बेली नहीं हो। नहीं प्रभु, उसका राहु खून कर चुका है। सच कहते हो? हाँ प्रभु, मैंने उन्हें कई बार बातें करते सुना। लक्ष्मण, लक्ष्मण, आदमी लेकर जाओ, जिंदा या मुर्दा राहु जहां भी हो पकड़कर हमारे सामने ले आओ। मैं भी साथ जाता हूं प्रभु। जाओ। बेली, तुम्हारी पार्वती के पास जा रही हूँ, तुम्हारे काम आ रही हूँ। इनाम दोगे तो? जो चाहो मां। जो चाहूं, कंगन बनवा देना सोने के। वादा रहा, अगर बनवा सका तो एक दिन जरूर बनवा दूंगा। तुम जरूर? तो जरूर। Thank you.
आजादी होगी और होकर रहेगी। क्यों कहीं ना उम्मीद है? देखा कितनी जल्दी सोने की चिड़िया को जाल में फांस लिया। बेली की खबर लाई हो? हाँ बेली की खबर लाई हूँ। कम्मू मेरे चले जाने के बाद तुम बेली की देखभाल करना। बात मैं बेली की देखभाल करूं? वाह क्या प्यार किया हमारे जिम्मेदारनी की बेटी ने। खुद तो साई सज कर दुल्हन बनकर नई दुनिया बसाने चली गई और जिसे घायल किया, जिसके रातों की नींद और दिन का चैन लूटा, उसे दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहती है। कम्मो दूसरे मैं और कौन? अभी अभी आपने कहा ना कि कम्मो मेरे चले जाने के बाद तुम बेली की देखभाल करना, और कर भी क्या सकती हूँ। जब चाहा है तो निभाइए, प्यार करने वाले जिससे गुजर जाते हैं। अब बंदूक फेंकना, या शादी करने आया शिकार खेलने? नदी के किनारे बेली हमारी राह देख रहा है, और जब वो यूं हमारे पार्वती को देखेगा तो देख के पाक पाक हो जाएगा। कोई नहीं कम्मू, तुम जो हमारी इतनी मदद कर रही हो, मैं इन इंसानों का बदला कैसे चुकाऊंगी? वो तो चुका दिया बेटी ने। कुछ दिया? हाँ जो आपको नहीं दिया। क्या दिया? मुझे दर्द दिया। क्या कहा? कुछ नहीं, बातों में खोने का समय नहीं। भाग रही है। जाएगी कहां? वो भागकर कहीं नहीं जा सकती। हाँ हाँ तलाश करो, मगर बाजार क्यों बंद कर दिया? बेली लो संभालो अपनी दुल्हन। पारो सोच लिया है, हम लोग भाग रहे हैं, मेरे साथ चल सकोगी? है इतना हौसला? बेली औरतों में कितना हौसला है ये फिर कभी नहीं पूछना। लो तुम दोनों यहाँ ठहरो और मैं जाल लेने के लिए। तुम जाओगी नाव लेने? और क्या तुल्ला जाएगा? लेकिन कम्मू वहाँ खतरा है। जान का ना प्यारे जान तुम पे कुर्बान। नहीं बहन पार्वती तुम गलत मत समझना, मेरा मतलब था जान तुम दोनों पे कुर्बान। Thank you.
बना बनाए खेल बिगड़ जाए। तुम जाओ। कमो, वो सोने के कंगन, मुझे ऐसे अपना वादा। बस बस मैं समझ गई, जब जी चाहे भिजवा देना। तुम जाओ। कमो, छी, ये क्या सुहाग रात और दुल्हन की आंखों में आंसू? अच्छा कमो, इसी नदी से तुम्हें उठाया था और आज यहीं से विदा कर दिया। कमल ने क्या खोया? दारनी की बेटी दुल्हन सजाई गई। आज मेरा बेली 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 की मुराद पर आई। हाथ रंग लिए कम्मू, किस खुशी में? कम्मू, अरे तू कहाँ थी? मैं तुम्हें देर से ढूंढ रहा था। बापू, आज मुझ पे बिगड़ो नहीं बापू। बापू जी, बेटी पिता करते समय कौन सा गीत गाओगे? आज फिर सुनने को जी चाह रहा है ना तेरा? हाँ बापू। तो पहले खाना बना खा ले, फिर सुनाऊंगा। सुनाना है तो अभी सुना दो बापू, फिर तो। क्या कहा रही तूने? कुछ नहीं बापू, मैंने कहा फिर तो शायद आंख लग जाए। अच्छा तो ले सुन, बहुत बढ़िया गाता हूँ ना मैं, मेरा गाना तुम्हें बहुत पसंद है ना? अच्छा तो ले सुन। लकी बाबू न मेरे काहे को दीनी विदेश, ओ लकी बाबू न मेरे काहे को दीनी विदेश। भाई को दीनो महल तुमैला, भाई को दीनो महल तुमैला, मोहे दिनो परदेस, हो लकी बाबुल मेरे काहे को दीनी, बाबुल मेरे काहे को दीनी विदेश। बेटी तो बा
बुलबुल एक चिड़िया बेटी तोबा, बुल एक चिड़िया जो रैन बसे उड़ जाए। ढोलक बाबुल मेरे काहे को दीनी विदेश, लकी बाबुल मेरे काहे को दीनी विदेश। सुना लो देखो मेरी बावली सुनते सुनते सचमुच ही सो गई। ओ मेरी पगली, अरे सोना है तो उठ कर कमू कमू जी, अरे कमू की बच्ची कमू, अरे ये तुम्हें क्या हो गया कमू, जवाब दो कमू, जवाब दो कमू कमू, तू तो सदा के लिए सो गई, तू तो हमेशा के लिए सो गई, बेटियां यूं घर नहीं छोड़ती बेटा, दुनिया क्या कहेगी, बुड्ढा गाता रहा और बेटी दम तोड़ती रही कमू। जग्गू की लाडली, भूखी प्यासी विदा हुई तू तो कमू, मेरी लाडली मेरी बच्ची कमू। कमू राहू इतना नीच था, मान जी भगवान की दया से हम बाल बाल बच गए। पापी को उसके पाप की सजा मिल ही गई, बेली बेचारा जो जायदाद का असली हकदार है और जिस पर इतने जुल्म हुए, अब आपको इस पर तरस खाना ही चाहिए। मानो अगर ये पार्वती से प्रेम करता है तो काहे, तो शुभ काम में देर कैसी। हाँ शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए, कहते हैं शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। कम्मू के बापू और बेली ने कंगन भेजे, बेली ने मेरी कब्र के लिए लाओ कमू, ले बेटे बेली तुम्हें नहीं भूला, उसने कंगन भेजे तेरे लिए, ले पहन ले। ले पहन ले तो